हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग द सॉयल, ग्रोविंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर क्या है? खेती करना, फसलों को उगाना और पशुधन में कह सकते हैं वृद्धि या विकास करने की कला और विधि है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द कल्टिवेशन मेथड्स डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि द कल्टिवेशन मेथड डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। जो कल्टीवेशन की जो विधि है वो कह सकते हैं निर्भर करती है फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल। लॉजिकल हाउ नो मतलब तकनीकी तौर पे कैसे खेती में विकास करें, एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस और कैसे मतलब कह सकते हैं कि जो सोशियो कल्चर प्रैक्टिस है, जो परंपरागत जो कह सकते हैं कृषि के जो तरीके हैं, वो इन सभी के कह सकते हैं विशेषताओं पर निर्भर करता है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंसेस टू कमर्शियल्स। जो है फार्मिंग बोल रहा है कि ये वेरी करता है सब्सटेंसेस टू कमर्शियल, मीन्स निर्वहन कृषि से कमर्शियल प्रकार की कृषि की ओर। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। भारत के अलग अलग भाग पर जो है निम्नलिखित तरह के क्या हैं फार्मिंग सिस्टम जो है प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। फार्मर क्या करते हैं, किसी भी मतलब लैंड को, पैच ऑफ लैंड को क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, वहाँ के जंगलों को काट देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं और उसको जला देते हैं, और उसका जो ऐश होता है उसको उसे मिट्टी में मिला देते हैं और फिर क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो अपने जो है फसलों को उगाते हैं। व्हेन द सॉयल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, और जब सॉयल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब फसलों को उगाते हैं जब तक उस लैंड पर फर्टिलिटी, उपजाऊपन मिट्टी में बनी रहती है, तब तक क्या फसलों को, फूड को, क्रॉप्स को उगाते हैं। और जैसे जैसे फर्टिलिटी जब उसकी कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो फार्मर क्या करते हैं, दूसरे पैच ऑफ लैंड पर जाकर वहाँ पर के जो जंगल हैं पेड़ को साफ करते हैं और उसको उसी तरह चलाते हैं, फिर वहाँ कल्टिवेशन खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फसलों को उगाते हैं और उसके बाद फिर वो दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं जब वहाँ की मिट्टी भी इनफर्टाइल होने लगती है। ऐसे ही वो करते रहते हैं। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये भारत में जो है या इंडिया में कह सकते हैं देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। और आप अपने बुक में देखना तो अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे ढेर सारे इस तरह के जो कह सकते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग टाइप के जो एक तरह से फार्मिंग है, खेती है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो आप बुक में भी अदर नेम्स को देख सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसके अंडर जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो इसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है देखते हैं। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह की जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो होता है प्लेस पर, तो वहाँ की जो लैंड फर्टिलिटी होती है और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो
कम होती है, क्योंकि जो जनजाति जो होते हैं जंगलों में रहने वाले होते हैं वो किसी कह सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ तो करते नहीं हैं। तो लैंड की क्या है, अपनी एक फर्टिलिटी होती है, जब तक वो रहती है तब तक फसलें उगती हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून। तो इस तरह की जो फार्मिंग है वो मानसून पर डिपेंड करती है। जब बारिश होते हैं तो फसलों को किसान जो है बो देते हैं और उत्पादन को प्राप्त करते हैं, और जब बारिश नहीं होती तो उनके पास इन खेतों में पानी की आपूर्ति की कोई कह सकते हैं कोई साधन नहीं होता है, जिससे उसमें खेती उतना नहीं हो पाता है। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया। और इस तरह की जो कह सकते हैं फार्मिंग जो है इंडिया के कुछ पार्ट में ही क्या है होती है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फार्मिंग टाइप में, इंटेंसिव सस्टेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव सब सस्टेंस जो फार्मिंग है इसको देखते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इस तरह की फार्मिंग उस एरिया में की जाती है जहाँ पर कह सकते हैं पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, उस जनसंख्या के कह सकते हैं कि भरण पोषण के लिए, जनसंख्या के खाद्य आपूर्ति के लिए क्या है इंटेंसिव सस्टेंस फार्मिंग मतलब गहन निर्वहन कृषि कह सकते हैं की जाती है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर की ज़रूरत होती है। वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन, और ज़्यादा उत्पादन के लिए बायोकेमिकल और सिंचाई सुविधाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो जाए। कॉमर्शियल फार्मिंग जो थर्ड है हमारा, हम इसको देखेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। अब इस तरह की जो कह सकते हैं फार्मिंग में क्या होता है, हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट मतलब अच्छे अच्छे कह सकते हैं जो मॉडर्न जो खेती के उपकरण हैं उसका उपयोग किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाले जो हाई HYV सीड्स हैं उसका यूज़ किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, मारने के लिए इंसेक्टिसाइड भी डाला जाता है, पेस्टिसाइड का भी यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो कि प्रोडक्टिविटी क्या है हाइयर हो जाए, मतलब उत्पादन हमें ज़्यादा प्राप्त हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसी का टॉपिक देखते हैं आगे, प्लांटेशन। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। प्लांटेशन क्या एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग का ही प्रकार है, जिसमें क्या एक फसल को क्या है एक बड़े एरिया में उगाया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, प्लांटेशन में क्या है बड़े लैंड को कवर करता है, और उसमें यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, और उसमें पैसे भी खर्च होते हैं या कैपिटल भी यूज़ होता है, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। और वहाँ पर जो लेबर होते हैं वो माइग्रेंट लेबर है मतलब कहीं और से आते हैं लेबर और वहाँ पर काम करते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री, और जो भी जो प्लांटेशन के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है उसको सीधे इंडस्ट्री में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, उसको बीच में यूज़ नहीं किया जाता, बस खेतों में क्या है बागानों में सॉरी खेतों नहीं बागानों में उगाया जाता है और सीधे वो क्या इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। इस तरह के देखें प्लांटेशन वाले जो प्लांटेशन वाले जो आपके हैं फसल वो कौन कौन से हैं, तो क्रॉप को देखते हैं तो टी है, कॉफ़ी है, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा, ये सभी जो हैं आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। हम लोग आगे देखेंगे क्रॉप पैटर्न। इंडिया हैज़
थ्री क्रॉप पैटर्न, सॉरी इंडिया हैज़ थ्री क्रॉपिंग सीजन। इंडिया में क्या है, तीन तरह के क्रॉपिंग सीजन है। पहला जो है फर्स्ट रबी, दूसरा खरीफ एंड थर्ड आफ्टर सेकंड थर्ड जायद, इसको जैद भी बोलते हैं लोग। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कॉलम में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग रवि को क्लियर करेंगे, इसके सारे पार्ट को एक साथ ही हम लोग देखेंगे वर्टिकली जो है। तो रवि का जो है सोविंग सीजन जो है वो कौन सा है, विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब जाड़े का समय, विंटर का समय जो कि अक्टूबर से दिसंबर के समय में रबी जो क्रॉप होता है उसकी बुआई होती है, मतलब बीज को बोया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन और रबी जो क्रॉप है उसके कटाई का समय क्या होता है, समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, गर्मी के समय में अप्रैल से जून महीने में। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स और रबी की जो फसलें हैं क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम देखेंगे वीट, बार्ली, पी मीन्स मटर, ग्राम मीन्स चना एंड मस्टर्ड मीन्स सरसों, ये सभी क्या हैं रबी की फसल है। तो रबी की फसल हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारा खरीफ। तो खरीफ का जो सोविंग सीजन है, बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन बिटवीन अप्रैल एंड मई। तो जो खरीफ क्रॉप का जो बिगिनिंग सीजन है वो क्या, अप्रैल से मई सीजन में क्या है इसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है, रेनी सीजन जब आता है उस समय ही जब रेनी की शुरुआत होती है। हार्वेस्टिंग सीजन और हार्वेस्टिंग कब होता है, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या है जो खरीफ की क्रॉप्स हैं उनकी कटाई होती है। अब इम्पॉर्टेंट जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो कौन है, पैडी मतलब धान, मेज मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर मीन्स कह सकते हैं अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सभी क्या हैं खरीफ के क्रॉप्स हैं। अब आते हैं जैद में, देखते हैं जायद या जैद बोलते हैं। इसका जो सोविंग सीजन है मतलब बोने बुआई का जो समय है, इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन। तो जायद का जो ड्यूरेशन है रबी और खरीफ सीजन के जो बीच का जो समय होता है वो जायद का समय होता है। देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन इन द मंथ ऑफ मार्च टू जुलाई। मार्च से लेकर जुलाई तक का जो समय होता है गर्मी वाला वही इसका सीजन माना जाता है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखेंगे वाटरमेलन जिसको हम तरबूज बोलते हैं, मस्क मेलन, खरबूज, कुकम्बर मीन्स हो गया खीरा, ककड़ी, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ एंड फॉडर क्रॉप्स, और जो चारा जो है जानवरों का उन सबको उगाया जाता है। हम लोग देखेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसको उगाया जाता है बड़े पैमाने पर। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग तरह के जो हैं फूड और नॉन फूड जो फसल हैं, खाद्य और जो अखाद्य जो फसल हैं उसको भारत के, इंडिया के अलग अलग भागों में उगाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। ये क्या है, सॉइल के वेरिएशन पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का कह सकते हैं कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्या है, किस तरह की कृषि पद्धति है जो अपनाई जाती है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, जो इंडिया में मेजर क्रॉप्स जो मुख्य जो फसलें जो उगाई जाती हैं वो निम्नलिखित हैं या नीचे हम देख सकते हैं, तो राइस है, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, ये सभी हमारे जो हैं मेजर क्रॉप्स हैं। हम लोग इसके बारे में वी विल डिस्कस
ऑल ऑफ दीज वन बाई वन इन डिटेल। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में नीचे वन बाई वन क्या है डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहला जो था हमारा क्रॉप, जो मेजर क्रॉप था वो राइस था। तो राइस के बारे में हम लोग चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इट इज़ द खरीफ क्रॉप। राइप जो है हम लोगों ने देखा था टेबल में भी कि एक खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब जो राइस जो क्रॉप है इसको ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आर्द्रता की ज़रूरत होती है, और जो रेनफॉल है रेनफॉल कितना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट जो है राइस का हम देखते हैं, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के लिए। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कोस्टल एरिया एंड डेल्टाइक रीजन। अब जो है राइस जो है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन, जो नॉर्थ प्लेन्स हैं वहाँ पर उगाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वहाँ भी उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज जो है इंडिया के उसमें भी इसको उगाया जाता है, और डेल्टाइक रीजन है वहाँ भी इसको उगाया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है वो हमारा जो है वीट है, गेहूँ जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, दिस इज़ अ रबी क्रॉप। ये क्या है, रबी रबी क्रॉप है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सन शाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। तो बुआई के समय क्या है, ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, और कटाई के समय कैसा मौसम होना चाहिए, मतलब धूप होना चाहिए, ताकि उस समय क्या है पकते समय धूप होना चाहिए, और उसी समय इसका क्या है हार्वेस्टिंग होता है, पकते समय सनशाइन की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं थर्ड, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो इसको ज़्यादा वाटर की तो ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी ही वाटर की ज़रूरत होती है। 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ग्रोइंग सीजन। नंबर फोर, द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्दर्न वेस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द डेक्कन आर टू मेन वीट ग्रोविंग जोन्स इन इंडिया। तो इंडिया के जो मेन जो दो वीट ग्रोविंग जोन्स है वो आपका जो है गंगा सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ डेक्कन। हम फिफ्थ को देखते हैं, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कह सकते हैं ये दूसरा सबसे क्या है महत्वपूर्ण फसल है, जो क्या है मुख्य तौर पर नॉर्थ और इंडिया के जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है ये ग्रो किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग मिलेट्स। तो मिलेट्स में जो है ज्वार बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। तो मिलेट में जो है तीन फसलों को मिलाकर कहा जाता है, ज्वार बाजरा रागी, जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडिया में जो उगाए जाते हैं। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, ये क्या है मोटे अनाज के तौर पर जाने जाते हैं, और इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसमें न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में होती है। तो देखते हैं ज्वार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो ये क्या तीसरा जो है महत्वपूर्ण फसल है जिसको क्या है उगाया जाता है इंडिया में। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज। और ये रेन फेड क्रॉप्स है और जिसको मॉइस्ट एरिया में उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। मेनली प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये क्या है मुख्यतः
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग बाजरा, बाजरा वाले कॉलम को हम लोग देखते हैं। ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। और इसको जो है बाजरा जो है सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और जो मुख्य जो है उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं वो राजस्थान, यूपी या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा है। यहाँ इन सभी स्टेट में इसको उगाया जाता है बाजरे को। रागी, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी जो है ड्राई रीजन में उगाया जाता है। ग्रोस वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। ये क्या है, रेड और ब्लैक सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में ही क्या है ग्रो होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों में रागी को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे मेज के बारे में। तो जो मेज है हमारा, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। जो मेज है ये खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोस वेल इन ओल्ड अलोवियल सॉइल। अब इसको इसमें जो है कह सकते हैं टेम्परेचर जो है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इसको ज़्यादातर जो है ओल्ड अलोवियल सॉइल जो होता है वो उसमें ये अच्छे से क्या है ग्रो होता है। थर्ड, इट इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड ऑफ फॉर्डर। इसको कह सकते हैं फूड के तौर पर भी उगाया जाता है और चारे के तौर पर भी क्या है उगाया जाता है। मीन्स फार्मर जो किसान है खुद के खाने के लिए भी इसको उगाता है और जानवरों को खिलाने के लिए भी इसको उगाता है। फोर्थ, मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो जो जो मुख्य जो है मेज मीन्स मक्का उत्पादन वाले जो राज्य हैं तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इन सभी स्टेट में जो है मक्के को, मेज को उगाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे पल्सेस, तो इसके भी देख लेते हैं बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट जो है पल्स प्रोड्यूसर है। मतलब सबसे ज़्यादा ये दालों को उगाता है और दालों का कंजम्पशन भी, कंज्यूमर भी है, मतलब उपभोग भी इंडिया ही ज़्यादा करता है पूरे वर्ल्ड में। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। जो शाकाहारी डाइट है उसमें जो पल्स, जो दालें हैं वो क्या हैं मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन का क्या है मुख्य स्रोत हैं। ज़्यादातर शाकाहारी लोग दालों को ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनके अंदर क्या है प्रोटीन की जो मात्रा है वो बनी रहे। नॉन वेजिटेरियन लोगों को तो क्या है जो मीट है, एग है, चिकन है, इन सभी से उनको प्रोटीन मिल जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं ये फूड्स। लेकिन जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं वो दाल को खाते हैं, उनसे उनकी प्रोटीन की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है। नंबर थर्ड, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तूर मीन्स अरहर, उड़द, उड़द, मूंग, मसूर, पीस मीन्स हो गया मटर एंड ग्राम। तो ये सभी जो दालें हैं उगाई जाती हैं। नंबर फोर, पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप सो दैट द सॉयल रिस्टोर फर्टिलिटी। पल्सेस ज़्यादातर जो है रोटेशन कह सकते हैं, रोटेशन के साथ, फसलों के रोटेशन के साथ इसको ग्रो किया जाता है ताकि मिट्टी जो है अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर ले। फिफ्थ, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी जो हैं मुख्य रूप से दाल को उगाने वाले राज्य कहे जाते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब ऐसे फूड क्रॉप्स जो ग्रेन मतलब अनाज नहीं है लेकिन हमारे फूड क्रॉप्स में ही वो आते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए। तो देखते हैं शुगर केन को हम लोग। अब इट इज़ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ये क्या ट्रॉपिकल और क्या सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के ये क्या है क्लाइमेट में ये शुगर केन को ग्रो किया जाता है। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसको जो है गर्म और आर्द्र जो है जलवायु में 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में और एनुअल रेनफॉल जो है 75 टू 100 जो है सेंटीमीटर के बीच में बारिश में और 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में क्या है ये अच्छे से ग्रो होता है, मीन्स प्रॉपर वे में ग्रो होता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल। तो ये जो है वैरायटी ऑफ जो सॉइल है कई तरह के जो सॉइल हैं उसमें ये क्या है उग सकता है। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोविंग टू हार्वेस्ट। इसमें क्या होती है मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है बुआई के समय और कटाई के समय, जब बुआई होता है तब भी और जब कटाई होता है तब भी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया जो है दूसरा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का कंट्री है। शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड जैगरी खांडसारी एंड मोलासेस। तो इन सब शुगर से जो है ये सभी चीज़ें बनती हैं गुड़ जैगरी खांडसारी मोलासेस एट्सेट्रा। नंबर 7 द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आर जो मुख्य तौर पर जो है शुगर मतलब गन्ने का उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिहार पंजाब एंड हरियाणा। इन सभी स्टेट में क्या है गन्ने की खेती होती है। अब आते हैं देखते हैं ऑयल सीड्स। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर। तो जो है जो कह सकते हैं ऑयल सीड है ये क्या है जो इंडिया का जो टोटल क्रॉप है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन अपना करता है। तो मेन जो है सॉरी ऑयल जो है ऑयल जो क्रॉप्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है ग्राउंड नट मीन्स जिसको हम मूंगफली बोलते हैं। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है मतलब जो है ऑयल सीड में सबसे ज़्यादा मतलब हाफ ये क्या है प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में और गुजरात जो है मूंगफली या फिर ग्राउंड नट उगाने वाला सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कह सकते हैं स्टेट है जहाँ पर ग्राउंड नट को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑयल सीड देखेंगे वो क्या है मस्टर्ड है। मस्टर्ड इज़ अ रबी क्रॉप। सीसम है सीसम को हम लोग देखते हैं तिल बोलते हैं। इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। तो नॉर्थ में ये खरीफ क्रॉप है साउथ में सीसम जो है रबी क्रॉप होता है। फिर क्या है कोस्टर सीड इट इज़ ग्रोन एज बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप। लिंस सीड कोस्टर सीड कह सकते हैं एक तरह का अरंड का तेल कह सकते हैं कुछ ऐसा होता है। और लिनसीड मतलब ये आपका रबी क्रॉप है तीसी जिसको कहा जाता है अलसी। फिर उसके बाद जो है ऑयल वाले जो क्रॉप हैं कोकोनट है सोयाबीन है
कॉटन सीड हैं, सनफ्लावर हैं, एट्सेट्रा, ये सभी बिके हैं इंडिया में, इनको ग्रो किया जाता है। अब आते हैं हम लोग आगे, टी को हम लोग देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाई द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जो टी है वो क्या है, बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप मीन्स होता है पेय, कह सकते हैं तर पेय फसल है, जिसको ब्रिटिशर ने क्या है इंडिया में लाया था। द टी प्लांट ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉयल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो टी प्लांट है वो क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में क्या है उगता है, और जो है ये फर्टाइल सॉयल में, कह सकते हैं डीप फर्टाइल सॉयल, जो क्या है वाटर जो बहता है और निकल जाता है उस वाले सॉइल में ये रहती है, जिसमें मॉइस्चर गहराई में बना रहता है और जिसमें ह्यूमस होती है और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। थर्ड पॉइंट, टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। तो जो टी के जो कह सकते हैं पेड़ हैं, उनको गर्म और मॉइस्ट फ्री, मतलब गर्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है पूरे साल। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और टी जो है इसमें क्या है लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इंटेंसिव। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। फिफ्थ, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो जो मेजर जो सी टी प्रोड्यूसिंग चाय उत्पादन वाले राज्य हैं वो आपके आसाम और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु और केरला, इन सभी राज्यों में क्या है चाय का उत्पादन होता है। अब आते हैं हम लोग कॉफ़ी को देखेंगे। कॉफ़ी, यमन कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दिस वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो कॉफ़ी होता है वो यमन कॉफ़ी है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती है। इट्स कल्टिवेशन वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स। तो इसका जो है कल्टीवेशन, इसकी जो खेती होती है बाबा बुदान जो पहाड़ियाँ हैं, एंड इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, ठीक है। और ये जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जो है वहाँ पर ही कॉफ़ी जो है उगाया जाता है पहाड़ियों में, और आसपास के जो स्टेट हैं उन स्टेट में, अलग अलग प्लेस में। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मतलब बागवानी में आ गए। देखिए, इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फूड। तो इंडिया में जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों तरह के जो हैं फ्रूट्स जो हैं ग्रो होते हैं, तो उनका प्रोडक्शन होता है। मेजर क्रॉप प्रोड्यूस्ड आर इंडिया में, जो मुख्य जो कह सकते हैं क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है वो कौन से हैं, तो पी कॉलीफ्लावर, जैसे मटर है, गोभी है, ऑनियन, प्याज हो गया, कैबेज, बंद गोभी, टोमेटो, टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन एंड पोटैटो मीन्स आलू। सम ऑफ द फेमस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, और कुछ जो है फेमस जो हैं बागवानी जो हैं फसलें जो हैं इंडिया में उगाई जाती हैं वो क्या है, निम्नलिखित है या नीचे हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है आम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, नागपुर के संतरे। तो मैंगोज़ जो हैं आम जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। ऑरेंजेस जो हैं, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापुंजी मेघालय।
तो ऑरेंजेस जो हैं, संतरे जो हैं नागपुर, और जो चेरापूंजी प्लेस है मेघालय का, वहाँ पर ये ऑरेंजेस संतरों को प्रोड्यूस किया जाता है। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो जो केला है वो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्टेट में क्या है उगाया जाता है, वहाँ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। लीची और गुआवा मीन्स हो गया अमरूद, जो है उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट में प्रोड्यूस होता है। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, अनानास जो है मेघालय में। ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, अंगूर जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में ग्रेप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब, नाशपाती, एप्रिकॉट और वॉलनट, ये सभी क्या है प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स को हम लोग देखेंगे तो रबर है और फाइबर है, कॉटन है, जूट है। तो हम लोग पहले रबर को डिस्कस करेंगे। रबर इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। ये जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है जो विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में उगता है। इट रिक्वायर्स अ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ज़रूरत होती है बिल्कुल नमी युक्त क्लाइमेट की, और रेनफॉल जो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इससे टायर बनाए जाते हैं, रबर की चीज़ें बनाई जाती हैं एट्सेट्रा। मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इन सभी प्लेसेस में क्या है रबर की, रबर कह सकते हैं उगाया जाता है। अब आते हैं फाइबर क्रॉप में। तो फाइबर जो है कॉटन है, जूट है, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द फोर मेजर क्रॉप्स। तो इसमें ये फोर मेजर क्रॉप्स आते हैं। कॉटन, जूट एंड हेम्प आर ग्रोन इन द सॉयल। कॉटन, जूट और जो हेम्प है इनको क्या है सॉयल में उगाया जाता है। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स। तो जो नेचुरल जो है सिल्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है ककुन से, जो कि सिल्क वाम को कह सकते हैं पालकर उसको जो है मलबरी जो लीफ होती है शहतूत की पत्ती पर, उनको कह सकते हैं पाला जाता है, और फिर उनसे क्या है सिल्क को ऑब्टेन कर लिया जाता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वाम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। और कह सकते हैं सिल्क वाम का जो है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो है सिल्क वाम को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। कह सकते हैं कॉटन इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 डेज फर्स्ट फ्यू डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो कॉटन जो है इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल बहुत ही हल्की बारिश की ज़रूरत होती है, और 210 फ्रस्ट फ्री डेज, और 210 दिन जो हो बिल्कुल ओला रहित जो दिन हो और बिल्कुल क्या हो ब्राइट हो, सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और इसके ग्रोथ के लिए क्या है ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। कॉटन ग्रोस वेल इन ब्लैक सॉयल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है डेक्कन प्लेटू के जो है ब्लैक सॉइल में क्या है कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट और जो मुख्य रूप से जो कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले हैं जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा।
अब हम लोग देखेंगे जूट क्रॉप को, इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इट ग्रोस वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। तो क्या है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स और हाई टेम्परेचर की नीड होती है। इट इज़ नेक्स्ट जो है पॉइंट इसी में, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, याम, कारपेट एंड अदर आर्टिकल आल्सो। तो इसका यूज़ किया जाता है गनी बैग्स बनाने में, मैट चटाई बनाने में, रस्सी बनाने में, धागा बनाने में, कारपेट्स बनाने में और अदर जो है आर्ट क्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प की चीज़ें उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो इन सभी राज्यों में क्या है, जूट को ग्रो किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो तकनीकी और जो संस्थागत जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं हम लोग उसको देखेंगे, जो खेती में कह सकते हैं सुधार के लिए किए गए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, सो दिस सेक्टर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर क्या है, 60% जो है जनसंख्या को रोजगार, उनकी जीविका कह सकते हैं जीविका का साधन है। और सो दिस सेक्टर नीड सम सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इस सेक्टर में क्या है, तकनीकी और कह सकते हैं संस्थागत कह सकते हैं सुधार की ज़रूरत है। द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द वाइट रिवोल्यूशन वेयर सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाई पीपल टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। ग्रीन हरित क्रांति और कह सकते हैं श्वेत क्रांति के द्वारा क्या है, कह सकते हैं खेती में कुछ सुधार लाया गया। सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, और तो कुछ कह सकते हैं स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया है, जो योजनाएं बनाई है उसको हम लोग देखेंगे। अब स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सच एज किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। किसानों को क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, पर्सनल जो है एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। सेकंड पॉइंट, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न वर इंट्रोड्यूस। और किसानों के लिए क्या है, स्पेशल तरह के जो कृषि समाचार है, खेतों पर आधारित समाचार और प्रोग्राम है, उनके लिए क्या है चालू की जाती है। अब उसको रेडियो के द्वारा प्रसारित किया जाता है, टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लाइटेशन ऑफ फार्मर्स बाई स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। तो बिचवैया और बिचौलिए और दलालों के कह सकते हैं दलालों के द्वारा जो किसानों का है वो एक्सप्लाइटेशन, शोषण ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को उसने, न्यूनतम लागत जो है दर या कीमत को उसने इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या है किसानों को उनका सही रेट उनको मिल सके। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इन 2010 to 2011 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। तो 2010-11 में क्या 52% क्या है जो वर्कफोर्स मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या है वो इस मतलब फार्म सेक्टर में इंगेज थी। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज डिक्लाइनिंग। और अब क्या है, जो GDP में एग्रीकल्चर का जो शेयर था, भागीदारी था, वो दिन पे दिन क्या है गिरता जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट एट्सेट्रा आर अ फ्यू ऑफ द इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये सभी स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो एग्रीकल्चर में लोगों का सुधार कर सके। गवर्नमेंट ने कृषि विश्वविद्यालयों और पशु चिकित्सा, पशुओं के कह सकते हैं नस्ल को बढ़ाने वाले सेंटर और बागवानी को विकसित करने के लिए स्टेप लिया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान आदि पर क्या किया है, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और लोगों को सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं एक तरह का पहल किया हुआ, योजना बनाया है। तो यही सभी चीज़ें हैं, आप लोग जो है चैप्टर रीड कर जाना और इस इम्पोर्टेंट नोट्स को अच्छे से रेडी कर डालना। थैंक यू क्लास।